रामदेवरा पैदल यात्रियों का दल जब थामला से होते हुए निकला तो उसमें 65 किलो का कपड़े का घोड़ा कंधे पर लेकर जयपुर से रामदेवरा तक 450 किलोमीटर की पद यात्रा करने की चर्चा जोरों पर रही। जयपुर के शास्त्री नगर पानी की टंकी के पास रहने वाले पद यात्रियों ने बताया कि पद यात्रा करते हुए आज हम थामला पहुंचे हैं और करीब 10 दिन अभी और रामदेवरा पहुंचने में लग जाएंगे। हमारी मनोकामना पूर्ण होने के लिए हमने 65 किलो का कपड़े का घोड़ा बनवाया है जो अपने कंधों पर उठाकर जयपुर से रामदेवरा तक की पदयात्रा करेंगे। जय बाबा की। महेंद्र लखन जयपुर से, शास्त्री नगर से, पानी टंकी से पैदल यात्रा बाबा के रामदेवरा राम जा रहे गुणिजा पैदल यात्रा। और लखन जयपुर से, शास्त्री नगर से रामदेवरा पैदल यात्रा। कहाँ से है बाबा? जयपुर से। अच्छा, ये जो घोड़ा लेके आए हो इसका वजन कितना होगा लगभग? इसका वजन है करीबन 60 से 65 किलो। 60 से 65 किलो। तो क्या आप बारी बारी से इसको कंधे पे लेते हो? हाँ, बारी बारी से। एक बार आप कंधे पे लेते हो तो कितना किलोमीटर चल पाते हो आप? करीबन आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर? हाँ। थकान नहीं होती आपको? आधा किलोमीटर बाबा की मेहर। और पैरों में छाले वगैरह? बिल्कुल नहीं। मस्ती से जा रहे हो? मस्ती से, आराम से। आपकी कौन सी यात्रा है? तीसरी यात्रा। तो आप जा रहे हो एक इलाके के हो? कितने दिन में पहुंचोगे अब आप? 8 से 10 दिन लग जाएंगे। 8 से 10 दिन लग जाएंगे। इस पीरियड में अगर आपके साथ में कोई बाबा ऐसा आपको दर्शन देते हुए कोई रोक टोक रहे या फिर कोई ऐसा कुछ लगता है आपको? नहीं, मैं चाहता हूँ बाबा के मंदिर में जाए घोड़ा हमारा। मैंने दिल से बनवाया इसको बाबा, मेरी मनोकामना है ये बाबा के मंदिर में जाए। मैं आपसे नहीं पूछना चाहिए फिर भी पूछ लेता हूँ, इसकी लागत क्या आई होगी? ये लागत बाबा के नाम तो कुछ नहीं है, मेरी लागत बाबा के नाम से फिर भी मंदिर में जाए बाबा की समाधि के पास। लागत लागत तो समाधि के साथ में होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। तमन्ना है बाबा के समाधि के पास जाए घोड़ा। मेरी दिल की तमन्ना दिल लग गई ठिकाने जब पहुंचने में नहीं है। मेरी इच्छा है बाबा की समाधि के पास जाए घोड़ा। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर शर्मा थावला से, और आज मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ थावला से अजमेर के बीच की, जहाँ पर आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं 7 फीट करीब लंबा घोड़ा है जिसका वजन करीब 60 से 65 किलो है। और ये 4 जो यात्री हैं ये जयपुर शास्त्री नगर पानी की टंकी के पास के यात्री हैं जो रामदेवरा पैदल यात्रा कर रहे हैं, और ये इनकी तीसरी यात्रा है। आज मैं आपको लाइव तस्वीर दिखाऊंगा कि इतना बड़ा घोड़ा जो अपनी पीठ पे लेके अपने कंधों पे लेके बाबा रामदेव के यहाँ पे जा रहे हैं और बाबा रामदेव से अपनी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से ये भंती कलर जो घोड़ा कपड़े का बनाया हुआ है इसका वजन जो है करीब 60 से 65 किलो है, और ये आप जो उम्र देख रहे हैं ये करीब 25 से 35 साल की उम्र की है। ये हमारे साथ में एक बाबा भी हैं जिनकी उम्र करीब 50 साल के आसपास की है। ये लोग तीसरी यात्रा कर रहे हैं और तीसरी यात्रा करने के साथ में भगवान की जयकार लगाते हुए और रास्ते में भंडारे का आनंद लेते हुए भजन कीर्तन करते हुए ये बाबा रामदेव पे पहुंचेंगे। आखिर में क्या इनकी मनोकामना पूर्ण होगी, आइए बात करेंगे इनसे कि किस प्रकार का कार्यक्रम ये जो है घोड़ा लेकर वहां पे जा रहे हैं और कब तक पहुंचेंगे, कितने दिन आज इनको रवाना हुए होंगे, कितने दिन आगे और लगने वाले हैं।